मॉरिशस हिंद महासागर के तट पर अफ्रीका महाद्वीप में बसा हुआ एक खूबसूरत देश है जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। मॉरिशस की सुंदरता और यहाँ के अनमोल वातावरण के कारण यह हनीमून मनाने के लिए सबसे आकर्षक देश है। मॉरिशस के हरे भरे जंगल और ऐतिहासिक स्थान आपकी यात्रा को बहुत रोमांचक बनाती है। मॉरिशस के जंगलों में आप यहाँ के फेमस मॉरिशियन ट्रैक का आनंद भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मॉरिशस की नाइट लाइफ का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। मॉरिशस का प्राकृतिक वातावरण, ऐतिहासिक इमारतें, दर्शनीय स्थल और झील झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप मॉरिशस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मॉरिशस के ब्लैक रिवर गॉर्गेस नेशनल पार्क को पहले सिर्फ जंगली जानवरों के शिकार के लिए जाना जाता था, परंतु मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा इस पार्क को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। यह शानदार पार्क वन्यजीव अभयारण्य है जो कि चारों ओर से पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ है। मॉरिशस के प्रसिद्ध स्थानों में से एक मॉरिशस का बेले मेयर प्लेस बीच है जो कि बहुत ही खूबसूरत समुद्र तट है। ताड़ के पेड़ों से सुशोभित यह बीच पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इस बीच में सफेद रेत के साथ समय बिताना मन को बहुत सुकून देता है। सर शिव सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन का एक प्रसिद्ध नाम पॉम्पसस बॉटनिकल गार्डन भी है जो कि मॉरिशस के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। पर्यटकों के लिए इस विशाल गार्डन में बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं की प्रजाति देखने के लिए मिलेंगी जो अन्य कहीं नहीं है। इसके अलावा यह अपने खूबसूरत गार्डन और आकर्षित पेड़ पौधों के लिए भी जाना जाता है। यह मॉरिशस का बहुत बड़ा और प्रसिद्ध गार्डन है। मॉरिशस आने वाले पर्यटक इस खूबसूरत स्थान पर घूमने जरूर जाते हैं। चारमेल को मॉरिशस की सात रंगों की धरती के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सात रंगों की रेत है जो बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले यहाँ ज्वालामुखी भी फटा था। धरती पर ही दूसरे ग्रह जैसा अनुभव कराने वाला यह स्थान बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। मॉरिशस के पर्यटन स्थानों में टू ऑक्स बीच मॉरिशस की सबसे अच्छी जगह है। कई सालों पहले यह स्थान मात्र एक मछली पकड़ने वाला गांव था, परंतु आज यह विशाल समुद्र तट के किनारे बसा हुआ बहुत खूबसूरत शहर है। टू ऑक्स बीच में शाम का समय बिताना सबसे ज़्यादा मनमोहक होता है। जब सूर्यास्त होता है तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यह बीच सबसे कम भीड़ वाला मॉरिशस का सबसे शानदार बीच है। ला वनिल्ले क्रोकोडाइल पार्क मॉरिशस का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है जो कि कछुओं के संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। कछुओं के साथ साथ यहाँ अन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। ला वनिल्ले क्रोकोडाइल पार्क में पर्यटकों के लिए कछुए की करी को फेमस डिश के रूप में उपयोग किया जाता है। यह जंगल बहुत ही आकर्षक है। आप यहाँ पर कई सारे जीव जंतुओं को देख सकते हैं। मॉरिशस के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल यहाँ का एक प्राचीन किला सिटाडेल फोर्ट एडिलेड भी शामिल है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अपने आप काफ़ी कुछ समेटे हुए हैं। इस किले में पर्यटकों के लिए भी प्राचीन जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने का अवसर मिलता है। इस किले में बहुत सालों पुरानी इमारतें और श्रृंखलाएँ हैं जो मॉरिशस को औपनिवेश से जोड़ती है। मॉरिशस में पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छे होटल उपलब्ध है जिनमें फ्रेंच, चाइनीज और इंडियन खाना आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही मॉरिशस में ढोलपुरी, समोसे और तले हुए नूडल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस भोजन है।